दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा ने एकदम से सब गाड़ियों का डंका बजा के रख दिया है, क्योंकि महिंद्रा एक से बढ़कर एक यहाँ पे गाड़ियाँ लॉन्च करे जा रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जो इनकी स्कॉर्पियो एन आई थी उसका मैंने Z4 ऑटोमेटिक वेरिएंट यहाँ पे कवर अप किया था। तो आप देख सकते हो कि महिंद्रा एक से बढ़कर एक यहाँ पे SUV लेकर आते जा रहा है, और इनका जो शोरूम है वो तो पूरा SUV के ऊपर यहाँ पे डेडिकेट कराया गया है। आज हम बात करने वाले हैं इसकी महिंद्रा के XUV300 के टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट के बारे में, और ये तो भाई मॉडल कौन सा लेकर आ रखे हैं, बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट, सबसे टॉप वाला, मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है। W8 ऑप्शनल में आपको मिल जाता है ये ड्यूल टोन वाला वेरिएंट, और जो कलर आप देख रहे हो ये भी इसका ब्रांड न्यू कलर है, जो आपको इसी वाली गाड़ी के साथ देखने को मिलेगा, ब्लेजिंग ब्रॉन्ज विद ब्लैक यहाँ पे सनरूफ। प्राइसिंग की बात करता हूँ तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो जा रहा है 12,90,000 रुपये, ऑन रोड की बात करता हूँ तो 15,10,000-20,000, डिपेंड करेगा कहाँ से आप गाड़ी ले रहे हो, लेकिन हम ये मान के चलो कि 15,10,000-20,000 तक ये गाड़ी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रंट के लुक की अगर बात करते हैं तो फ्रंट से चेंजेस करे गए हैं, जो इसकी कंपैरिजन में 300 आती नॉर्मल वाली, उसमें क्या कि आपको सामने यहाँ पे जो ग्रिल है पूरी क्रोम ट्रीटमेंट से भरी हुई मिलती है, लेकिन इसमें पूरा पियानो ब्लैक कलर दिया गया है, और इस तरीके से डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं रेड कलर के, सामने आपको इस तरीके से लोगो दिया गया है महिंद्रा का नया, और इसका जो एयर डैम है यहाँ भी आपको रेड कलर का इंसर्ट देखने को मिलेगा, सिल्वर कलर की स्किट पेज देखने को मिलेगी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चेंज करी गई है। अब बात करते हैं कि 15,10,000 रुपये में हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो लाइटिंग है ये मिल जाती है आपको ऑटोमेटिक के साथ, वैसे हेलोजन प्रोजेक्टर है लेकिन ऑटोमेटिक के साथ आपको देखने को मिलेगा, और अगर ऊपर आपको दिखाता हूँ मैं तो रेन सेंसिंग वाइपर आपको देखने को मिल जाते हैं, दो आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बातचीत बनती है। इंजन की बात करते हैं, सबसे पहले खोलते हैं इसका हुड हम यहाँ से, तो हुड भी इसका एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और इससे पता चलता है कि महिंद्रा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही इसमें अच्छी रखी गई है, सभी को पता होगा 5 स्टार ये इसको ग्लोबल एनकैप में रेटिंग मिल रही है। इंजन की बात करते हैं तो इसमें मिलता है आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। अब काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसी एक अफवाह फैला रहे हैं मार्केट में कि इसके अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलता है बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है, महिंद्रा का बिल्कुल नया इंजन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वही इंजन है जो आपको नॉर्मल 300 के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, सेम वही इंजन इसमें भी यूज़ हो रहा है। फर्क ये है कि इसकी जो पावर है और इसका जो टॉर्क है उसको यहाँ पर इंक्रीज कराई, तो अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करता हूँ तो 20 PS की पावर बढ़ाई गई है, 30 Nm का टॉर्क बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर बन जाती है वो है 130 PS की पावर और यहाँ पे 230 Nm का टॉर्क, तो अच्छा खासा है यहाँ पे फिगर्स रखे गए, और माइलेज कंपनी इसमें क्लेम करके दे रही है 18 का, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। बाकी ऊपर आपको इन्फ्लेशन मिल जाएगा, और नीचे अगर हम चेकआउट करते हैं तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, मतलब कंप्लीट तरीके से प्रोटेक्ट करा गया नीचे से इंजन को इस तरीके से, ठीक है। करते हैं इसे बंद और साइड से लुक चेकआउट करते हैं, तो साइड से डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है, और यहाँ पर जो ये ब्राउन्स कलर है ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ड्यूल टोन फिनिशिंग आपको साइड से पता चल पाती है। देखो इसका यहाँ पर जो पिलर्स हैं, जो ए पिलर है, फिर ऊपर जो पूरा ही रूफ से कनेक्ट होते हुए जा रहा है, फिर जो पीछे का पूरा सी पिलर है, ये कंप्लीट तरीके से आप चेकआउट करो, पूरा हमें ग्लॉस ब्लैक रखा गया है, और अगर आप यहाँ पे इसको RVM देखते हो तो इसमें भी आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, रूफ कंप्लीट तरीके से ब्लैकआउट करी गई है, इसका यहाँ पर जो फंक्शनल रूफ रेल है ये भी ब्लैकआउट करे गए हैं, तो इस वजह से लुक काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा निकल कर आ रहा है। और इसके अंदर जो टायर है ये है 16 इंच के, पहले 17 के आते थे, कंपनी ने इसमें डाउनग्रेड करा है, ये आ गए हैं 16 इंच में, लेकिन ये भी आते हैं महिंद्रा के नए वाले लोगों के साथ, और इसमें आपको MRF के वॉन्डर टायर देखने को मिलते हैं। कंप्लीट टायर सेटअप की बात करता हूँ तो 205/65/R16 का आपको कंप्लीट टायर सेटअप इसमें देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें अच्छा खासा है 180 mm का, जिसकी वजह से इसमें ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हो, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको अंदर दिखाता हूँ और साइड में लेके चलता हूँ तो यहाँ पर देखो आपको एक स्विच मिल जाता है, जिसको आप इसको इस तरीके से पुश वगैरह करके, आपकी गाड़ी में कुछ की वगैरह लगी रहनी चाहिए, आप इसको ऑफ कर सकते हो, जिसकी वजह से होगा क्या कि इसका जो यहाँ पे को ड्राइवर साइड वाला एयरबैग है ये इसका ऑफ हो जाएगा, और इसके जो पार्किंग सेंसर है फ्रंट के आप उसको भी यहाँ पे बंद कर सकते हो, ठीक है। फ्यूलिंग कैपेसिटी की बात करता हूँ तो 42 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, और पीछे से आपको मैं दिखाता हूँ तो पीछे से डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, यहाँ पर इसका जो स्पॉइलर है ये भी कंप्लीट तरीके से ब्लैकआउट कराया गया है, और फीचर्स आपको एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे, कोई भी फीचर यहाँ पे कंपनी ने नहीं छोड़ा है, लाइक आपको वाइपर मिल रहे हैं, डिफॉगर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, पार्किंग सेंसर से आपको दो ही मिलेंगे, W8 आपको रेड कलर से बैज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। कैमरा यहाँ नीचे की तरफ को डाल रखा है, और खोलते हैं इसकी बूट, उठाना काफ़ी ज़्यादा हैवी है, यही फायदा होता है स्टर्स का, ऑटोमेटिक खुल जाती है यहाँ पे, और देखें तो देखो सेगमेंट में इसकी जो बूट स्पेस है काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे रखी गई है, और मेरे हिसाब से 240-242 सीटर की ये बूट स्पेस बनती है, और सेगमेंट की अगर बात करता हूँ तो अच्छी खासी बूट स्पेस वो दे रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर जो कैबिन स्पेस बनती है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिन गाड़ियों में आपको यहाँ पे बूट स्पेस ज़्यादा मिलती है उनमें जो सेकंड रो की स्पेसिंग होती है उसमें थोड़ी कम होती है, यहाँ पर ऐसा है कि सेकंड रो की स्पेस अच्छी है, फ्रंट रो की स्पेस भी अच्छी है, बस पीछे की जो स्पेस है यहाँ पे डिग्गी की वो थोड़ी कम यहाँ पे रखी गई है।
ठीक है, करते हैं जी इसे यहाँ पे बंद हम, और ड्राइवर साइड से चेकआउट करते हैं। देखो रिक्वेस्ट आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ यहाँ पे कमियाँ गिनाना चाहूँगा जो मेरे को लगा कि इस वाले टर्बो मॉडल में होनी चाहिए थी। सबसे पहली चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उसको रेट लगा मिलना जरूरी था। देखो टर्बो वेरिएंट है यार, आप अगर TGDI को इतना प्रमोट कर रहे हो तो इसको रेट लगा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उससे क्या होता है कि साइड से लुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनता है। ठीक है, अंदर दिखाता हूँ। अंदर हमने क्या करा कि कंप्लीट तरीके से जो डैशबोर्ड है वो ब्लैकआउट कर दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमने करा। लेकिन जो सीट्स है, अगर इसमें स्टिचिंग व्हाइट के अलावा अगर रेड की दे रहे थे कितना बढ़िया इसका लुक बन जाता, लेकिन हमने इसको ऐसी व्हाइट छोड़ रखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी कमियां इसमें नजर आ रही हैं। लेकिन जो सीट्स है ये आपको लेदर के साथ मिलती है, कंप्लीट आपको लेदराइज सीट देखने को मिलेगी। हाइट एडजस्टमेंट के साथ ही आती है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो, एक से बढ़कर एक सेफ्टी फीचर है, 6-6 एयरबैग्स आपको मिल रहे, कोई भी कमी नहीं है। अगर आपको देखो इसके इंटीरियर का रिव्यू अच्छे से चेकआउट करना है तो मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इस वाली वीडियो में बस मेरे को आपको यही शो करना था कि इसका जो एक्सटीरियर वो कितना यहाँ पे अमेजिंग यहाँ पे लुक प्ले करता है। पीछे से दिखाता हूँ, तो अब यहाँ पे चेकआउट करो, इस तरीके से पूरा यहाँ पे लुक बन जाता है। कमी फिर से वही आ रही है पीछे की, आपको कोई एसी वेंट देखने को नहीं मिलता, मिलना चाहिए था एसी वेंट क्योंकि गर्मियों का टाइम है, दिक्कत होती है, लेकिन तीन आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बनता है इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर का रिव्यू, और आपने देख लिया कि जो नया कलर है ब्लेजिंग ब्रॉन्ज कलर, ये दिखने में कैसा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर से करना, ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी ये तो भाई मिलेंगे आपको बहुत जल्द ऐसी एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।